गुड मॉर्निंग गाइस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड गाइस बढ़िया रहना। तो आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है और आज के दिन की शुरुआत हो रही है मोलदार गांव से। देखिए गाइस, पीछे काफ़ी सुंदर बैकग्राउंड, देवदार के वृक्ष। हेलो गाइस, और ये संदीप भाई अभी उठ रहे हैं, देखिए आँखें मिठा रहे हैं अभी। और रजत भाई भी हमारे साथ आ रखे हैं। देखिए, हम शादी में आ रखे थे कल, अभी आपको इसके मतलब थोड़ी देर बाद वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, शादी की वीडियो भी डालेंगे धमाल वाली। इतनी जल्दी नहीं दिखाएंगे क्योंकि भयंकर धमाल मचाया था कल रात भर, 2 बजे तक नाचे गाइस। और सोने की व्यवस्था हमारी बुआ जी रहते हैं यहाँ पे, उनके यहाँ हो गई थी। तो चलिए आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। और मोलदार गाँव में मैं पहली बार आ रहा हूँ तो आपको भी यहाँ का गाँव घर वगैरह दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है मोलदार गाँव की, इस खड़की के पेड़ से। वैसे एक दो घर इधर भी है। देखिए यहाँ से पूरा गांव नहीं दिखता, नहीं यहाँ पे पूरे गांव की फोटो बस वहां से आएगी गाइस, सामने से। सामने देवदार देखो, वाह क्या नजारा है गाइस, स्वर्ग का नजारा है। और नीचे देवलसारी, नीचे कोणेश्वर देवता का मंदिर। यहाँ पे देखिए बहुत ही पुराने पुराने मकान। तो मिले हमारी बुआ जी से, ये देखिए इन्होंने हमारी बहुत सेवा पानी की और सोने की व्यवस्था भी की। ये देखिए तिवार, देखिए इनकी यहाँ पे। चलिए संदीप भाई आज हमें मोलदार घुमाएंगे। और देखिए गांव के बीच में यहाँ पे खड़की का बहुत ही बड़ा पेड़, इसकी जगह पीपल का पेड़ होता तो और भी बढ़िया था। और यहाँ पे पानी की व्यवस्था, ये देखिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की हुई है। ये टाइल वाला घर है, देखिए महापाथ रखा है इस पे, नजदीक से दिखाएंगे, महापाथ के कलर कर रखा है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए महापाथ रखा है और उस पे कलर हो रखा है बहुत ही बढ़िया हरा। ये है पतंजलि रंग कहते हैं इसे। वो तो सयाण बोल। ये देखिए बहुत ही बढ़िया घर, फोटो खाए देख उड़ा गए। और ये मंदिर है यहाँ पे नाग देवता का। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की गई है, टीन सेट लगाया गया है। बारात घर भी दिखाएंगे, बारात घर कहाँ है। और इसके मंदिर के ऊपर एक शेर है, ये देखिएगा, इस शेर की मूर्ति बना रखी है। और कल में हम जब रात को आ रहे थे सोने, तब मैंने पता क्या चिताया, मैंने चिताया कि वो मतलब कोई कुत्ता चढ़ रखा है वहाँ पे, और मैं डर गया। और इसको भी दिखाएंगे, एक मस्त घर है यहाँ पे, ये देखिए तिमंजिला घर है, ये बहुत ही बढ़िया घर। ये देखिए कितना सुंदर, ऐसे घर अब बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, शायद कुठार है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बढ़िया घर, श्री प्रधान जी का घर है शायद, मुझे लगता है। नीचे से टाइल है और ऊपर से ये देखिए ये खंबे, पुराने जमाने वाले, बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत वेरी ब्यूटीफुल। जय राम नोटियाल, राम जी नोटियाल, सूरजमणि। ये पता नहीं कौन से नोटियाल जी का घर है। एक घर ये भी है, ये लकड़ी की वो लगी हुई है यहाँ पे ग्रिल। अभी यहाँ पे रहता कोई नहीं है शायद, मुझे लगता है। भोंख्याई, भोंख्याई देखो गाइस, भोंख्याई अगर तड़का दे तो पूरा शरीर जो है जिम जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक घर ये भी है, घर दिखाते दिखाते मैं जो हूँ थक गया हूँ। ये देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जय हो। और एक दूसरा तिमंजिल संदीप को दिखा, संदीप जी चलिए हमारे साथ, दिखाएंगे आप हमें तिमंजिला घर। ये देखिए काफी बढ़िया रंगों से सजाया हुआ तिमंजिला घर, वाव यंग तो फोटो मस्त आने दिता है पर। और एक ये सामने पे भी है, ऊपर जाके दिखाएंगे। सामने का नजारा चेक कीजिए गाइस, देवदारों का घना जंगल, वाव। और इस घने जंगल के बीच रजत नोटियाल खूबसूरत चेहरे के साथ, चमोली रजत चमोली। तो गांव से हम फाइनली प्रस्थान करने लग गए हैं अपने गांव के लिए। और गाइज आज जो है मेरा प्रैक्टिकल भी है, तो आज कॉलेज में भी जाना है। पहले यहां से घर जाएंगे फिर कॉलेज में जाएंगे, आज पता नहीं 2-3 राउंड मारने पड़ेंगे हमें। तो गाइज गांव तो मुझे बहुत बढ़िया लगा यहां का, पर यहां की जो सड़क है ना वो बहुत ही अच्छी है, 1.5 कौड़ी की भी नहीं है, इतनी अच्छी है वो कसम से। गाड़ी बिल्कुल मटक मटक के चलती है, तो जो गाड़ी का इंजन है वो नीचे टच होता है। इतनी बढ़िया रोड कहाँ मिलेगी आपको, इतने गड्ढे ही गड्ढे, हद हो गई। इतना बड़ा गांव है,
इतने जागरूक लोग हैं यहाँ के, और फिर भी ये रोड अभी तक मतलब पक्की नहीं हुई, क्या होगा यहाँ का। और लाइट भी यहाँ पे बार बार आती जाती रहती है, धप धप धप, जैसे मतलब उसको यहाँ चढ़ने के लिए उकाई में ओखी होती होगी लाइट को, इसीलिए वो धप 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 करती, मतलब जाती रहती है लगभग कंटिन्यू। और एक और तारीफ थी, यहाँ पे टावर भी नहीं आते हैं, दो लाइन के टावर आते हैं। कल से एक हाई भेज रखा है घर वालों के लिए कि मतलब मैं पहुँचने वाला हूँ, मैसेज कर रहा था, वो हाई नहीं पहुँचा, कॉल तो हो ही नहीं रही है। और क्या बोलो, छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, हाई कर दो बोली, हेलो हेलो। ये यहाँ का गेट है, यहाँ से जो है स्वागत होता है मोलदार गाँव के लिए। जिस प्रकार से बड़ा गाँव है, गेट उतना खास नहीं है, गेट की हालत मतलब सड़क के हिसाब से है बनाई गई है। और देखिए हमारी धन्नो यहाँ पे खड़ी है, ये अब बहुत ज़्यादा भुगतने वाली है। देखिए ये भी कल से रो रही है कि कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, चलिए फिर इसको आज फिर बजोड़ते हैं। और गोरी हो गई, इसीलिए कह रहे थे इतनी अच्छी रोड है आ गई, ये हालत देख सकते हो। मेरी स्कूटी जो है काली थी और गोरी हो रखी है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, ये देखिए। अभी तो आपको सड़क दिखाएंगे हम, अगर दिखाने लायक बचेंगे। ठुरे निचंद का के मानसो आए को कल एक लड़की पसंद आई, उसी के बारे में सोच रहे हैं। अरे नहीं यार, पसंद तो आ गई, बट क्या करें, यहाँ के लिए वैसे भी मैं मतलब त्याग कर दूंगा कोई भी लड़की मुझे पसंद आए। यहाँ बारात कैसे लानी इतनी कच्ची रोड में, सिंगल ही ठीक है, कहीं और गाँव में ढूंढेंगे अपने लिए लड़की, यहाँ थोड़ी ढूंढेंगे इतनी। अगर कभी उसको मतलब मायके आना होगा तो अपनी गाड़ी की रेड मारनी पड़ेगी मुझे, इतना रिस्क भरा काम नहीं करते भाई हम, कहीं अच्छी जगह ढूंढेंगे जहाँ बढ़िया रोड होगी बिल्कुल मक्खन, तो 5 मिनट में हम पहुँच जाएँ वहाँ पे। यहाँ देखिए रोड, ये देखिए कितनी बेकार रोड है, कहाँ है यहाँ के वो नेता पेता वोट मांगने आए रहते, आगे बात नहीं पहुँचा सड़क, क्या बात, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अगर जुड़ जाए तो तुरंत ये पक्की हो जाएगी। मैं प्रधानमंत्री को बोल दूंगा कोई बात नहीं, आपको मैंने ब्लॉग में दिखा दिया, 1-2 साल बाद हो ही जाएगी, मतलब एक हिसाब से मैंने प्रस्ताव दे दिया, देख लेना कन्फर्म हो जाएगी, हो भी सकती है। रोड के लाइए मेरी भैया, इधर देखो रुड़ेंगे नजारों को देख के, यहाँ की बुराई करने का मन नहीं करता है, सही बात है, यही थोड़ा लोगों को कंट्रोल करते हैं, नहीं तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इस रोड में आया होगा और गाली नहीं दी होगी, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत लोग सुना नहीं चाहिए, तारीफ तो होनी चाहिए भाई, गाँव की इसलिए मैंने तारीफ की और सड़क की इसलिए, जहाँ जैसा माहौल होगा वो तो कहेंगे ना तारीफ होता है। यहाँ से जो है देवसारी का शॉर्टकट रास्ता है, ढूंढ रहा था इधर ही, यहाँ भरा लाऊंगा जब सड़क पक्की होगी, वरना नहीं कहीं दूसरी जगह देख लेंगे, परमुल का कोई चांस नहीं, परमुल का रोड बहुत बढ़िया है, हमें रोड थोड़ी ढूंढने, हमें तो लड़के ढूंढने यार। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए इतने बड़े बड़े सींग वाले बैल, मुझे लगा पहले सांड है, क्या बैल है, स्कूल बस, अरे आए हैं गाड़ी है, अरे स्कूल के ये है गेट बंसिल का, ये बंसिल का देखिए, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक अपाची भी खड़ी है, क्या यहाँ से निकल जाएगी, नहीं यहाँ से नहीं जाएगी, ये पता है क्योंकि ये बहुत बार आ रखे हैं, इनके जो लगा रहता है, और दिखाई काफी मोटे मोटे, ये तो गांव में उस समय जो है रजीत पैंट में तू करता था, और रिमान से पैंट टट्टी कहते हैं गाइस बचपन में सब यार, नहीं वो तो होता है, ये तो सभी करते हैं, और सामने पे देखिए उंतड़ गांव, देखिए वहां पे काफी प्राचीन मंदिर की साइड है, और यहां पे से देखिए देवा और उंतड़ एक ही फ्रेम में नजर आते हैं आपको दोनों गांव, ये देखिए देवा यहां, इनका नाम निकिता है, कितना प्यारा व्यू है इधर का, नीचे देखे दो एम्बुलेंस जा रही है, एक गांव में पूरा ठंडा है और एक गांव पूरा धूप आ गई है, मुझे लगता है मोलदार में नहीं जाती यही लगाते बस, क्योंकि मोलदार वालों ने अपनी एम्बुलेंस अभी घूमना देवसारी की रोड भी मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से बढ़िया है, जबकि टूरिस्ट प्लेस है, लोग कहते हैं यहाँ का प्रमोशन करो, कैसे करो, बाहर से आएंगे और कहेंगे यार हिमांशु भाई प्रमोशन कहाँ का किया, यहाँ तो सड़क ही बेकार है, बाहर के लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, हम तो कहीं भी डंगार में चढ़ा देंगे, इतना भी नहीं चढ़ाएंगे, वो तो तार वाली गाड़ी चढ़ा देंगे, ये पक्की रोड के ऐसे आ लेता हूँ, रोड का कच्ची रोड के तो सकते हैं कैसे, मिट्टी भी चाहिए, ये देखिए जहाँ तार को भी चढ़ते हुए
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे पहले तो सड़क सुधारो, बेटी बचाओ तब पढ़ाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क को ढंग से बनाओ। हाँ ये सही कहा रजत मौली ने। देखिए इनका बरात बहुत ही बड़ा है। एक बात हमारे गाँव की पूरी है, उधर बरात करनी है। हाँ हम बना देंगे जब यूट्यूब से इनकम आएगी। गाइस आप शेयर करते रहो यार, बहुत मेहनत करती मैंने। थोड़ा कसर है बस, और ज्यादा शेयर करने की आपको जरूरत है। जरूरत है बस, शेयर कीजिए बस। हिमांशु भाई का नाम आगे तक ले जाना है। हाँ आगे तक ले जाना है, आगे उत्तर तक ले जाना है। पर नहीं अभी हमें छतरी उठाना है। ये फूल है क्या? फूल वाह प्यारे फूल दिखेंगे नहीं साइडन से। अरे बच्चे चिल्लाते हुए हिमांशु मोक मल दौड़ू, मोक मल दौड़ू भैया। देखिए यहाँ पे धान, देखिए आप कितनी प्यारी धान है। धान है इसलिए खुद को हिमांशु की होने वाली वाइफ समझना, कोई बिल्कुल मत समझना। वो तो हिमांशु ढूंढेगा, वो तो हम खुद ढूंढेंगे। वो करेगी भी शादी या नहीं करेगी, जिस हिसाब से हम भीड़ के बीच में नाचते हैं ठुमके लगा के। मुझे आपको आधा वीडियो में पता चलेगा, आधा वीडियो में पता चलेगा हम कितने फ्रैंक हैं। क्योंकि अंदर से सभी लोग दुखी रहते हैं। मैंने कहा चलो यार, जब मोदार वालों के चेहरे पे मुस्कान भी नहीं आनी तो हिमांशु जौनपुरी के आने का क्या फायदा। इसलिए मैंने कहा थोड़ा टेढ़े मेढ़े ठुमके लगाते हैं, मोदार वालों को हंसाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। इन्हें भी तो पता चले हिमांशु जौनपुरी क्या चीज़ है। चीज़ नहीं मतलब मन की है, क्या ब्रांड है, क्या ब्रांड है, बिल्कुल ब्रांड है, बस थर्ड क्वालिटी का ब्रांड है। ये बहुत ज़्यादा तारीफ है। वाओ आपका क्राउन है भाई साहब। यार देखो भाई फाइनल यहीं पे होने वाला है, आईपीएल 2028 इसको 28 तारीख को मैच होने वाला है आरसीबी गुजरात का। सुनने में आया विराट कोहली ने बस शतक लगाया है। विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, 4 साल बाद कर दी उसने, 4 साल बाद आईपीएल सेंचुरी मारी। अच्छा लग गया था कि कहीं 99 पे नाटक था, 99 लेकिन 99 पे पहुंचा ही नहीं, 99 में छक्का मार गया। डरने की कोई जरूरत नहीं है, धीमी गति से लगा था इसलिए डर लगा। यहां से देखिएगा आपको अच्छी तरह से, ये देखिए स्विमिंग पूल और मछली पालन। एक बार गए थे हम यहां पास, बहुत ही कब तो यूं पानी रहता है गाइस। वो देखिए भाई स्विमिंग पूल काफी बहुत बना रखा है। आएंगे कभी नहाने तो बताएंगे आपको। बिल्कुल आएंगे गाइस, सुबह से बता रखा होगा। वैसे भी मुझे 1.5 साल हो गया है मैं नहाया नहीं। नहीं नहीं थॉलू में नहाया था, अगले थोलो में नहाएंगे। 1 साल 1 महीना होने वाला है, अगले थोलो में यही आएंगे नहाने के लिए। मुंह तो हम डेली धोते पर नहाते नहीं, ना के क्या करना गाइस, शरीर खप जाएगा हमारा। कपड़े तो पहने रहते हैं गंदगी कौन देखता है। सही बात है, कपड़े चेंज करो, मन साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, शरीर तो सबका ही गंदा है। तन साफ पूरा रेड मरी होता है। आने वाले ब्लॉग्स में आपको नाकटी भी दिखेगा, नागेश भी दिखेगा, बिल्कुल नागेश दिखेगा, नाकटी छुट्टियां पहनने वाली है, ऊंचे ऊंचे डंगा दिखेंगे और बहुत ही मतलब उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दिखेगी आपको नाकटी। आई थिंक वही है, होगी सर दिखेगी आपको वहाँ पे। हम मनोरंजन करते हुए तो जौनपुर दिखेगी, उनकी टीम दिखेगी। पिछली बार ये मुर्गा, मुर्गा ये मुर्गा देखे बोले जय माँ दुर्गा, हमें दिखे मुर्गा। वाह वाह मुर्गा अभी कैमरे में नहीं आया, मुर्गा कैमरे में नहीं आया, उसकी रफ्तार ज्यादा थी, हमारी गाड़ी की कम थी क्योंकि सड़क बहुत बढ़िया है। न्यूट्रल चल रहे हैं इसलिए, हम न्यूट्रल चल रहे हैं, तेल बचा। अब यहाँ ये देखिए ऐसी रोड होती तब थोड़ा ठीक, तब तो मजा आ जाता। ये सिर्फ दर्शाने के लिए टूरिस्टों को, टूरिस्ट होते हैं आगे भी वैसी रोड है। स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल की भी रोड जाती है यहाँ से, हल्का हल्का ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 साल बाद आने आए एक व्यक्ति स्विमिंग पूल, सुबह सुबह स्नान कर ले, मंगल स्नान होगा इनके साथ ही। आज इनका स्टेटस डाल रखा था कि 2 साल बाद नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। अरे सौभाग्य प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमें सुनील मेहरा चाची से सीखने को मिला, सीखने को हमें डाला रहता है। बहुत ही अच्छी चीज सीखने मिली हमें, बहुत 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 धन्यवाद सुनील मेहरा चाची का। बस सकेड़ो बहुत किया उन्होंने हमारा, बहुत अच्छे थे, थपड़ी कड़क, थपड़ी कड़क मारते थे बट दिल के बहुत अच्छे थे गाइस। एक हमारे बड़ा जी थे वो बेचारे अभी ट्रांसफर हो गए, बड़ा जी कहते थे दूसरी जगह, और उन्होंने तो विद्या मंदिर में एक रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। मतलब 2003 से 2023 में जाके रिटायर हुए हैं, 2003 में तो शायद मैं 1 साल का राउंड फिगर 20 साल अनुप्रास नहीं हुई थी शायद स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पे रहे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत मिस करते हैं हम उन पलों को। और जो सरस्वती विद्या मंदिर आपको जान के हैरानी होगी, 10 बच्चे थे हम 9th 10th में, और मैं विद्या मंदिर से भी भागा था, बताओ यार। दूसरे बच्चे ने छुट्टी ले जा रखी, मैं उसके साथ चल दिया, क्या बात है, सोच ही सकते हैं कितने भागे हुए। इंटर कॉलेज हमने दिन का स्कूल कभी पूरा पढ़ा ही नहीं। ऐसे होते हैं जागरूक लोगों की रोड, ये देखिए उन्हें पता है ना हिमांशु जौनपुर के गांव की रोड है, इसीलिए इतनी मस्त हो गई है। खराब हो जाएगी मजा क्या, मैं आ गया वहाँ एक बार तो अब जब प्रधानमंत्री देखेगा कि हिमांशु जौनपुर को थोड़ा दिक्कत होती है, वहाँ पे बेकार रोड है, और जो बारीक पत्थर थे वहाँ पे जो है टका रखा है बहुत बढ़िया ढंग से, जैसे कपड़ों में टांगे मारे हैं, कपड़ों में टांगे मारे ठीक है, पक्की है कम से कम। सड़क से टूटी लगे थी जरा टांगों, फिर रोलर आने कहा चलो लगाई देता, और रोलर पर भी हमने बहुत बढ़िया वीडियो बना रखी है, बस थोड़ा मसला होता तो वो आपको अब दिखने को मिलेगा, हमें दिख जाएगी। और ये देखो ये अपना प्यारा सा दूड़, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है, जहाँ जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ के लिए तारपुल बन रहा है। ये देखिए ये प्रगति कर रही है हमारे गांव की रोड, हमारे गांव के लोग सभी तारपुल बन रहा है, अच्छी बात है। चलो चलो धन्यवाद।